तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याओ आगमनाद जी तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याओ आगमनाद जी सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी अनंत उपकारी अरहंत वितराग परमात्मा आप्त ज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव उनकी आगम वाणी को भाव वंदना, लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों गुरु शक्तियों षड्जीवनी काई की सहयोगी शक्तियों के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आत्मशुद्धि के महापर्व पर्युषण पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिवस है और यह द्वितीय दिवस हम सबके लिए जागृति के अनेकों सूत्र लेकर आया है। सुन रहे थे अभी हम सब अंतकृत दशांग सूत्र को और इस सूत्र के विवेचन को सुन करके अनेकों जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक सी है क्योंकि हम आए दिन ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं जहां इंसान देवता की भक्ति करता है देवता की बंदगी पूजा अर्चना करता है और देवता की पूजा करने को वो अपना धर्म समझता है। तब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यह कहते हैं कि देवता की पूजा अर्चना करना मिथ्यात्व है अधर्म है पाप का बंद करवाने वाला है। अब इंसान के लिए कंफ्यूज हो जाना स्वाभाविक है कि दो विपरीत बातें एक साथ उसको सुनने को मिल रही है देखने को मिल रही है ऐसे में वो क्या करे और क्या ना करे। तब जनरली लोग प्राचीन सूत्रों को टटोलते हैं कि हमारी परंपरा में इतिहास में सूत्र पाठों में क्या ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि देवता की पूजा अर्चना की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो अभी अभी हमने सुना कि श्री कृष्ण वासुदेव ने भी देवता की आराधना की सुलसा ने भी देवता की आराधना की और देवता की आराधना करने से सुलसा के लिए जो एक निश्चित योग था वह योग भी बदल गया। फिर ऐसा कैसे क्या प्रकृति में यह भी संभव है? जी हाँ प्रकृति में बहुत कुछ संभव है और इंसान अपनी भावनाओं से अपने भूत और भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। अपनी भावनाओं को संकल्प के साथ एक मजबूती दे करके जब वो तपस्या करता है तपस्या इसलिए करता है ताकि उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाए एकाग्र हो जाए और एकाग्र चित्त से जब वह इस सृष्टि में अपने कल्प का प्रसारण करता है अपना इंटेंट देता है तो उस तपस्वी साधक के इंटेंशंस के वजह से प्रकृति में फिर से हलचल होती है और घटना जैसी बनी हुई है उस बनी हुई घटना में भी परिवर्तन हो जाता है।
बहुत प्यारी बात समण सूत्र, समण संस्कृति और समण दर्शन हमें बताती है कि इंसान अपने पुरुषार्थ से अपने अनंत अतीत के कर्मों को भी रूपांतरित कर सकता है। बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन कर सकता है, उनकी स्थिति को बदल सकता है, उनके रस को बदल सकता है। यह भी संभव है कि हमने अतीत में अनेकों पाप किए हो, लेकिन अगर हम आज शुभ भावों से तपस्या करें, भक्ति करें, सेवा करें और निष्काम भाव से वो सेवा भक्ति तपस्या चलती रहे, तो कितने ही अतीत के पाप कर्म बिना पापों के फल के रूप में प्रकट हुए अंदर ही अंदर अपना रस बदल लेंगे, पाप पुण्य में बदल जाएगा, रस परिवर्तन संभव है। समर दर्शन कहता है कि इंसान ही अपनी सृष्टि का रचयिता है, और जब वो अपनी सृष्टि का रचयिता है तो जो कुछ उसने अब तक रचना कर ली वह उस रचना को भी बदल सकता है और हर क्षण रचने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत हमने लिखी तो वो लिखी जा चुकी। जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया, जो परफेक्ट हो गया उसमें भी चेंजेस पॉसिबल है। कितने अंशों तक, ये भी एक सवाल आता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो बांध लिया वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब जो बांध लिया वो तो भोगना ही पड़ेगा, तो परिवर्तन कैसे? और अगर परिवर्तन किया जा सकता है तब तो सब कुछ बदल देना चाहिए। जी हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन के लिए नियम यह है कि जितने डिग्रीज में हमने बांधा है उससे ज्यादा डिग्री का अगर संकल्प हो, जिस स्तर पे हमने उस घटना का निर्माण किया है उससे अधिक रस के साथ, अधिक भावों के साथ अगर फिर कोई नई घटना का निर्माण किया जाएगा तो पुरानी घटना अपना रूप, आकार, रस, अनुभाग बदल देगी। यह संभव है। और गजब की बात यह कि एक इंसान को अपनी किस्मत की रचना करने के लिए भी, यानी अपने आप की रचना करने के लिए भी, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए भी अनेकों सहायक शक्तियां चाहिए, अनेकों सहायक तत्व चाहिए। इस पूरी प्रकृति में हम में से हर एक इंसान अनेकों की सहायता प्राप्त करके ही अपनी जिंदगी जीता है। माना हम पैदा हुए लेकिन माता पिता के संयोग के बिना नहीं हो सकते। माना हमें पढ़ना है लेकिन अच्छे टीचर्स के अभाव में हम पढ़ाई नहीं कर सकते। माना कि हमें मुक्त होना है लेकिन बिना गुरु के आलंबन के, गुरुवाणी के आलंबन के हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए इस पूरी सृष्टि का आधार क्या है, इस पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं घटती है उस सारी घटनाओं के लिए एक अनिवार्य और अटल नियम है कि ये सारी घटनाएं परस्पर सहयोग से ही घटित हो सकती है। इसीलिए जैन संस्कृति में, समण संस्कृति में अपने प्रतीक चिन्ह के नीचे एक सूत्र लिखा होता है, परस्परोप ग्रहो जीवानाम। ये परस्परोग्रहो जीवानाम सूत्र कहता है कि ये सारे ही जीव परस्पर एक दूसरे से उपग्रहित है, इंटरकनेक्टेड है। वी ऑल आर इंटर बी, नॉट अ सिंगल बी। हम अकेले नहीं है, हम पूरी दुनिया की हेल्प लेकर के जी रहे हैं। बिना निमित्त के इस दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं है, और निमित्त को निमित्त के रूप में ग्रहण करना आवश्यक और विवेक और आदर के साथ ग्रहण करना जरा भी पाप नहीं है।
हमें शक्ति की जरूरत है तो हम शक्तिमान लोगों की सहायता लें, दिक्कत कहाँ है। हमें भक्ति करनी है और भक्ति के लिए सामने कोई प्रतिमा स्थापित करें ताकि उसका आलंबन लेकर के हम अपनी भक्ति के भावों में जा सकें, तो उस आलंबन में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि निमित्त है। इंसान को अपने भावों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने कल्प को आकार देने के लिए सहायता तो चाहिए ही। बिना निमित्त के इस दुनिया में कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। तो हम तपस्या के निमित्त से अपने अतीत के कर्मों को बदल सकते हैं। बंधे हुए कर्मों में स्थिति परिवर्तन और रस परिवर्तन दोनों ही संभव है। हम शुभ को अशुभ बना सकते हैं, अशुभ को शुभ। और यह भी संभव है कि हम शुभ और अशुभ दोनों ही श्रृंखलाओं से मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। यह तीसरी संभावना भी हमारे साथ है। ये बात अलग है कि हम में से कौन सा मनुष्य कौन सी संभावना को जागृत करता है। हम में से हर एक इंसान अलग अलग पॉसिबिलिटीज को कॉल करता है, जागृत करता है। कुछ लोग अपने पुण्यों को अशुभ स्थानों पर भोगने के लिए चले जाते हैं तो वे पुण्यों को पाप में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे धन आया और आदमी शराबी बन गया, जुआरी बन गया, अहंकारी बन गया, अत्याचारी बन गया, आतंकवादी बन गया, कुछ भी। अब पुण्य से धन आया और अपने उसने पुण्य को उसने पाप के रास्ता दिखला दिया, तो उसका था तो पुण्य लेकिन अनुबंध पाप से हो गया, तो वह पापानुबंधी पुण्य हो गया। और उस पापानुबंधी पुण्य की वजह से अब भविष्य में वह पाप की अवस्थाओं को भोगेगा, पाप के फलों को भोगेगा, संकटों को भोगेगा, बीमारियों को भोगेगा, प्रतिकूलताओं को भोगेगा, असहयोग को भोगेगा, जो पाप के फल है। पाप के फल है कि व्यक्ति में असामर्थ्य रहेगी, निर्बल हो जाएगा, संकट आएंगे, विपरीतताएं रहेंगी और उसे दुख का वेदन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसने अपने अतीत के कर्म जो उदय में आ रहे थे, जो पुण्य उदय में आ रहे थे, उनको पाप का मार्ग दिखलाया। तो ठीक इसके विपरीत ऐसे भी लोग हुए हैं जो पाप कर्मों का फल भोग रहे थे, संकट भोग रहे थे, कलंक को भोग रहे थे। सती अंजना, इतिहास में उदाहरण आता है, पवन सुत हनुमान की माता कलंक को फल भोग रही है, राजघराने से निष्कासित कर दी गई है, जंगलों में रह रही है, लेकिन वहां पर भी रहते हुए पाप का फल भोगते हुए भी उसने तपस्या की, भक्ति की, श्रमणा की साधना की, आत्मशक्तियों को जागृत किया और तब उसने अपने उस पाप का फल भोगते हुए पुण्य से अनुबंध स्थापित कर लिया। उसका पति लौट आया, साम्राज्य उसके चरणों में आ गया और साम्राज्य मिलने के बावजूद भी उसकी दृष्टि समकित हो गई, इसीलिए वो उन सब के बीच में रहते हुए भी विरक्त हो गई, कमल बन गई। देखो, जीवन को बदलना आसान है, संभव है, इस बात पे हमारी दृढ़ आस्था हो, हमारा ये विजन क्लियर हो कि हमने अतीत में कैसा भी कर्म किया हो, हम उस कर्म का फल भोग करते समय किस तरीके की भावनाओं में जिए, किस तरीके की संभावनाओं को जगाएं कि हमारा वह पाप का अनुबंध भी पुण्य की ओर बढ़ जाए, अथवा पाप फल भोगते हुए भी
हम मुक्ति के मार्ग में चले जाएं। कैसे? पांचों पांडव अपने अशुभ कर्मों का फल भोगते हुए साम्राज्य विहीन हुए, तेरह वर्षों तक जंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन ऐसे क्षणों में भी उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण का सानिध्य पाया, श्री कृष्ण से सद्ज्ञान पाया और पूर्ण प्रतिकूलता के क्षणों में भी अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाए रखा, जागृत करते रहे, धैर्य और विवेक को जगाते गए, सद्भावनाओं को बढ़ाते गए, दृष्टि को विशुद्ध बनाते गए। और परिणाम क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध होने के बावजूद लाखों करोड़ों जनता की मृत्यु नरसंहार होने के बावजूद भी वे पांचों पांडव, जैनागम कहते हैं कि उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। यानी हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में, इंसान के भावों में कितनी गजब की क्षमता है। अगर इंसान अपनी भावनाओं की क्षमता को पहचानना शुरू कर दे और अपनी भावनाओं को सही आकार देना शुरू कर दे, सही दिशा देने लग जाए, भावों को विशुद्ध बना ले, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव हो। हकीकत है, पापों का, घोर पापों का फल भोगते हुए कितने जीव मुक्तिगामी हो गए और खूब पुण्यों का फल भोगते हुए भी कितने ही जीव नरकगामी हो गए। जनरली हमारी इस दुनिया में जब कोई आदमी पुण्यों का फल भोग रहा होता है, यानी बहुत अनुकूलताओं में जीता है, बहुत यश सम्मान पा रहा होता है, बहुत धन धान्य संपदा उसके पास होती है, सारे लोग उसके नाम को जानते हैं, शोहरत मिलती है, उसको सलामी देते हैं, ऐसे समय में हम लोग ऐसा मानते हैं कितना पुण्यवान है। यही कहते हैं ना कि व्यक्ति कितना पुण्यवान है। हकीकत यह है कि वो व्यक्ति कितना पुण्य भोगी है, पुण्यवान नहीं, पुण्य भोगी है। वो पुण्यों का फल भोग रहा है। पुण्यवान तो उसको कहना जो कि इन सब को भोगते हुए भी पवित्र भावनाओं से भरा है। अगर वो इन सबको भोगते हुए अहंकार से भरा है, और जनरली हो जाता है जब किसी आदमी का बहुत नाम होने लग जाए, बहुत अनुकूलताएं मिलने लग जाए, तो उस इंसान को लगता है कि मेरे जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। तभी तो देखो मेरे और भाइयों ने नहीं कमाया, मैंने कमाया, मेरे परिवार के साथ पीढ़ियों का नाम कोई नहीं जानता लेकिन लोग मेरा नाम जानते हैं, और मेरे नाम की वजह से मेरे बाप दादा को जानते। जनरली आदमी को अहंकार आ जाता है और अहंकार आदमी के अंदर में विषमता वाली दृष्टि पैदा करवा देता है, समता नहीं रहती। और जब विषमता वाली दृष्टि आती है तो बहुत सारे लोगों को पीड़ा मिलनी स्वाभाविक है, साथियों को कष्ट मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में वो व्यक्ति पुण्य का भोग तो करता है लेकिन पुण्यवान नहीं होता, बल्कि पाप का अनुबंध कर लेता है। और पाप का अनुबंध करने की वजह से अंदर तो पाप का पिटारा भर रहा है और बाहर पुण्यों का भोग चल रहा है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति पाप की गति में आगे बढ़ जाएगा। और ठीक इसके विपरीत जाओ, कई लोग हैं पापों का फल भोग रहे हैं, दुनिया में बदनाम भी हो गए, घर वाले भी उसको तिरस्कार करके छोड़ चुके, पत्नी तक ने भी साथ छोड़ दिया, बेटे भी अपमानित कर रहे हैं, धन का भी अभाव है, मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, लेकिन ऐसे क्षणों में भी जबकि घर में ना धन है, ना धान्य है, ना संपदा है, ना सम्मान है, ना यश है, ना प्यार है, ऐसे क्षणों में भी बहुत लोग हैं जो अपनी आत्मा के भावों में मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रतिकूलताओं में भी किसी को दोष नहीं देते,
तपस्या करते हैं। ऐसे क्षणों में भी अतिथि का सम्मान करना नहीं भूलते, पहले सबको खाना खिला करके फिर बचा खुचा खाते हैं। और ऐसे लोग दुनिया की नजरों में दीनहीन गरीब कहलाते हैं, लेकिन वे हकीकत में पुण्यवान हैं। पाप का तो भोग भोग रहे हैं, लेकिन अंदर में इकट्ठा पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि भावनाएं पवित्र है, मन दीन नहीं है। और मन दीन ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब तक मन में दीनता है तब तक ही गरीबी है। जब तक मन में खालीपन है, मन डिमांडिंग है, तब तक आदमी गरीब है। और जिस दिन मन डिमांडिंग नहीं है, मन मुक्त हुआ, मन सद्भावों से भरा, ऐसे आदमी को कोई कितना और कैसा भी समझे, लेकिन वो आदमी हकीकत में पुण्यानुबंधी पुण्य बांधता जाएगा। और यह भी संभव है कि वह धीरे धीरे अपनी भक्ति जप तप को निष्काम करता हुआ मुक्त हो जाए। इसीलिए संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो होता है जनरली वो दिखता नहीं। ये पुण्य और पाप के कर्म भी यूं देखा जाए तो दो दो प्रकार के हो गए, एक पुण्यानुबंधी पुण्य, एक पापानुबंधी पुण्य। एक ऐसा पुण्य का भोग जो दोबारा पुण्य से ही अनुबंध करवाएगा, ऐसा पुण्य का भोग जो पुण्यवानी भोग भी रहा है और पुण्यवानी बांध भी रहा है। अभी भी पुण्यवान है, आगे भी पुण्यवान ही होने वाला है, उसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य। वो कैसे होता है? जैसे आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, लेकिन फिर भी आप हमेशा सबको सम्मान देते हो, आप हमेशा सबको सुख सुविधाएं देते हो, आप किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देते, किसी विद्यार्थी को पढ़ने में मदद करते हो, और सारी मदद प्रसन्नता से भर के करते हो, नाम कमाने के लिए नहीं करते, सारा सहयोग प्रेम भाव से भर के करते हो, कुछ पाने के लिए नहीं करते, तब क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पुण्यों का भोग करता हुआ जब अनेकों को संपदा से युक्त कर देता है, अनेकों की जिंदगी के अभावों को दूर कर देता है, अंधे को आंख दे देता है, विकलांग को पैर दे देता है, भक्ति करने की इच्छा रखने वालों के लिए स्थानक मंदिर का निर्माण कर देता है, प्यासे को पानी अवेलेबल करवा देता है, और सब कुछ करवा के भी कहीं नाम नहीं रखता, बस कार्य करता है और हट जाता है, ऐसा व्यक्ति पुण्यवान है और आगे भी पुण्यवान होगा, क्योंकि कितने लोगों की सद्भावनाएं मिल गई। और ऐसा सद्भावित व्यक्ति जो हमेशा देने में खुशी मनाता था, वही देवता बनता है, क्योंकि देवता शब्द का अर्थ है देवता, दे दो शब्द ही तो है, एक देवता और एक लेवता, एक देने वाला और एक लेने वाला। अभी पता नहीं हम में से किसको क्या बनना पसंद है। जिसके पास जितना पुण्य है, जो जैसे भी सुविधाओं में रह रहा है, जितनी भी अनुकूल अवस्थाओं में रह रहा है, वो उस अवस्थाओं को जितना ज़्यादा शेयर करता है, जितना ज़्यादा दूसरों के साथ मिल बांट करके सुविधा भोगता है, वो व्यक्ति उतना ही पुण्यानुबंधी पुण्य के ग्राफ को बढ़ाता चला जाता है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है और पापानुबंधी पुण्य भी होता है। ऐसा पुण्य भी होता है जो पाप से अनुबंध करवाए, यानी अभी तो पुण्य भोग रहा है, भविष्य में पाप में ही जाएगा, क्योंकि उसका रास्ता गलत है, गलत ट्रैक पे चल रहा है। ऐसे पाप भी दो तरह के, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पाप है, लेकिन एक पाप पुण्य से अनुबंध करा रहा है और एक पाप पाप से ही अनुबंध करा रहा है। जैसे कई लोग यहां तक कह देते हैं कि कोई आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, गुरु दर्शन के लिए जा रहे हो, तो जाने में आप व्हीकल्स यूज करोगे तो आपको कितनी हिंसा लगेगी, इससे अच्छा आप जाओ ही मत,
अब ऐसी धारणाएं भी है समाज में। अब जरा देखो कि माना व्हीकल्स यूज करोगे, माना तीर्थ यात्रा में जाओगे तो कुछ क्रियाएं तो होंगी, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका इरादा क्या है? इरादा यह भी हो सकता है कि सबको भक्ति मिले, सबको गुरु दर्शन मिले, सबको गुरुवाणी सुनने को मिले। मैं इसलिए ये आयोजन कर रहा हूं कि सबको मुक्ति का रास्ता मिले, सदगुरु की वाणी सुनने को मिले। अब क्या हुआ, वो पाप पाप नहीं रहा, वो पाप भी पुण्य हो गया। और ये भाव भी हो सकता है, दिखला दूंगा समाज को मैं कौन हूं, इतना पैसा कमाया है, संग निकाल करके बताऊंगा, तीर्थ यात्रा करवा के बताऊंगा। अब घमंड में भी किया जा सकता है वही कार्य, वही कार्य जब घमंड में किया गया तो वो पाप का अनुबंध करवा देता है। तो पाप तो है, लेकिन अनुबंध किससे हो रहा है, पुण्य से या पाप से? ठीक इसी तरह से संकट तो है, लेकिन संकटों में भी भावना कैसी है? संकटों में भी भावना संकट देने वाले के प्रति दुर्भावना वाली है, या संकट देने में निमित्त बनने वाले के प्रति भी धन्यवाद की भावना है कि चलो इसके सहयोग से ही मेरे अशुभ कर्म कटे। तो पाप भी दो तरह का, लेकिन इन चारों अवस्थाओं के साथ दो अवस्थाएं और है। चार अवस्था तो इजी, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। इन चार के सिवाय दो और है, मुक्त अनानुबंधी पुण्य, मुक्त अनानुबंधी पाप। ये क्या हुआ कि पुण्य और पाप दोनों को ही इस तरह से भोगा कि किसी के साथ अनुबंध नहीं किया, मुक्ति को साध लिया, जैसे पांडवों ने साधा, सती अंजना ने साधा, सती चंदन बाला ने साधा, राजुल ने साधा। इन सब ने क्या किया, जितने भी ये जीवात्माएं मुक्त हुई है, सबने मुक्ति से पहले अपनी उस जिंदगी के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव देखे, देखे या नहीं देखे? ये सारे महापुरुषों का जीवन हमें यही तो बतलाता है कि सबने अनेकों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन सारे उतार चढ़ावों के बीच में भी वे समभाव में रहे, समभाव में रहे। किसी ने अच्छा दिया, किसी ने बुरा दिया, लेकिन जिसने जैसा भी दिया उन्होंने हर हाल में देने वालों को धन्यवाद ही दिया, देने वाले को धन्यवाद ही दिया। कैसे दिया, निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। हाँ, निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। प्रभु जी का अनुग्रह मुझे पे हुआ, समकित ने मेरे मन को छुआ। हाँ, प्रभु जी का अनुग्रह मुझ पे हुआ, समकित ने मेरे मन को छुआ। जो समझ समकित हो जाती है तो व्यक्ति पुण्य भोगे या पाप भोगे, दोनों ही अवस्थाओं में मुक्ति की साधना कर लेता है। ये छह ऑप्शन है, छह ऑप्शन में से हम किसको क्लिक करेंगे ये हमारा चुनाव है कि हम चाहे पुण्य भोग रहे हो चाहे पाप, चाहे अनुकूलताओं में हो चाहे संकटों में हो, हम इससे कहाँ जा रहे हैं, इस गाड़ी में बैठ करके जा कहाँ रहे हैं, जा किस दिशा में रहे हैं, उस दिशा का ज्ञान करना। पुण्य भोगते हुए पाप की दिशा में या पुण्य की दिशा में या मुक्ति की दिशा में, तीन ऑप्शन ऑलवेज रहेंगे। हर घटना के भोग के साथ में तीन संभावनाएं, एक ट्रायंगल हम सबके साथ रहेगा, सबके भीतर रहेगा, तिराहा रहेगा। इस ट्रायंगल के अंदर तीन कोण हैं, एक कोण है पुण्य, एक कोण है पाप और एक है मुक्ति। पुण्य प्लस, पाप माइनस, मुक्ति न्यूट्रल, तीन अवस्थाएं हैं। अब घटना कोई भी आई, परिस्थितियां कोई भी मिली, हालात कैसा भी हुआ, किसी ने गाली दी, किसी ने माला दी,
थप्पड़ मारी किसी ने, प्यार किया। घटनाएं तो होती रहेंगी लाइफ में, घटनाएं खत्म अभी नहीं होने वाली क्योंकि बहुत रिकॉर्डिंग्स कर रखी है। और कब कौन सी रिकॉर्डिंग रिलीज होगी हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जब घटनाओं को हम भोग रहे होंगे तो भोगने की तरीका डिसाइड कौन करेगा? भोगने का तरीका पिछला कर्म डिसाइड नहीं करेगा, भोगने का तरीका हम डिसाइड करेंगे। आदमी के हाथ में क्या है? जो अतीत में बांधा वो उदय में आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भोगते समय हमने कौन सा तरीका अपनाया वो हमारे ऊपर है। और वो तरीका हमें समण दर्शन सिखाता है। समण दर्शन का सारभूत सूत्र यह है कि अगर एक आदमी सामायिक को साध ले, समता में आ जाए, और समता में आने का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाए। समता शब्द का मतलब है न्यूट्रल, न प्लस न माइनस, दोनों ही चीजों में निमित्त को धन्यवाद दे दे और उस निमित्त के प्रति मन में कोई भी राग या द्वेष का इंप्रेशन पैदा ही ना होने दे, ना राग का इंप्रेशन न द्वेष का इंप्रेशन, दोनों को ही सद्भावना दे और उससे मुक्त हो जाए। दोनों के प्रति सद्भावित तो रहे लेकिन उसके साथ बंधे नहीं। और होता है क्या है, हम जिससे सद्भावना लेते हैं, जिसको सद्भावना देते हैं, वहां भी हम प्रतिबंध कर लेते हैं। मेरा मित्र, और प्रकृति बड़ी विचित्र है, जैसे ही हमने कहा मेरा मित्र वैसे ही ऑपोजिट पोल भी पैदा हो गया। इस प्रकृति का ही नियम है, क्या किया जा सकता है। आपने एक को चुना, सिक्के के एक पहलू को चुना था, लेकिन हमें क्या पता कि एक पहलू को चुनने से दूसरा पहलू भी साथ आ जाता है, लेकिन आ जाता है। जैसे एक पहलू चुनते हैं उसका दूसरा पहलू भी आ जाता है। एक से दोस्ती बनाई, दूसरे से दुश्मनी हो गई, क्योंकि दोस्त का दोस्त तो दोस्त हो गया, लेकिन जो हमारे दोस्त के प्रति दुश्मनी रखता था उसने हमारे साथ भी दुश्मनी रखनी शुरू कर दी। अब क्या करो, प्रकृति है ही ऐसी। आपने कहा बस मेरी पॉकेट में पैसे आ जाए, लिए और पैसे डाले पॉकेट में, लेकिन बहुत सारे लोग थे वो कहते ये पैसे मेरी पॉकेट में आने चाहिए, अब ये सारे लोग दुश्मन हो गए, क्या करोगे। इसीलिए इस पूरे संसार के बीच में आदमी को न्यूट्रल पॉइंट पे जाना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष बन जाते हैं। और दोनों पक्ष बन जाते हैं उसी को कहते हैं पक्षपात। ये पक्षपात संसार है, और समकित कहते हैं निष्पक्ष होने को। समकित कह दो, समता कह दो, सामायिक कह दो, एक ही बात है। समकित, समता, सामायिक का अर्थ है कि न पुण्य न पाप, न पुण्य से अनुबंध न पाप से अनुबंध, हर घटना को ऐसे भोगा जाए कि मुक्त अनानुबंधी हो जाए घटना। हर घटना मुक्त अनानुबंधी, कोई अनुबंध ही ना करवाए, वो दृष्टि हमारे अंदर आए। प्रभु जी की ऐसी कृपा, गुरु की ऐसी कृपा हम सब पर हो कि हमारे अंदर वो दृष्टि घटित हो कि हम हर हाल में मुक्ति को साधें। समता को आराध है। इसलिए समण दर्शन का सार अगर कोई जानना चाहे कि क्या है सार, क्या है जैन दर्शन का सार, एक शब्द में कहूं तो वह है समता। समता सार है, क्योंकि समता ही वह रास्ता है जो आदमी को संधि में स्थित करता हुआ मुक्त करता है। पुण्य में संधि नहीं, पाप में संधि नहीं, पुण्य और पाप दोनों के मध्य निष्पक्ष हो जाने में संधि है। पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हुए भी व्यक्ति समभाव में आ जाए, वह संधि है। समभाव संधि की अवस्था है, इसीलिए समता को साधना ही संधि को साधना है, और संधि में ही मुक्ति है। न पुण्य में मुक्ति है, न पाप में मुक्ति है। प्राचीन आचार्य कहते, पूज्य विराट गुरु जी ने कहा कि पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं? बेड़ी तो बेड़ी है भले, सोने की हो लोहे की हो,
बेड़ी तो बेड़ी है भले सोने की हो लोहे की हो, है मुक्ति की यदि भावना जैसे मिले वैसे जियो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले, निष्पक्ष होकर के कुछ सोच ले। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो लोहे की हो या लोहे की बेड़ी अच्छी नहीं लगती इसलिए पाप कह दिया, सोने की बेड़ी अच्छी लगती है इसलिए उसको पुण्य कह दिया, लेकिन अगर मुक्ति की भावना है तो दोनों के बीच में समता में रहो। समता में रहना, नो ओपिनियन, नो पैक्ट, नो कंडीशनिंग, कोई कंडीशनिंग नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई पैक्ट नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया। और हकीकत है समकीति व्यक्ति कभी कोई वादा नहीं करता, वादा करता ही नहीं, क्योंकि वादा करते ही पक्ष बन गया और पक्ष बनते ही विपक्ष बन गया। इसीलिए नो पक्ष नो विपक्ष, नो कसम नो वादा, कोई नहीं। वो केवल समता को साधता है। समणा का सार है समता को साधें। अब समता को साधना हमारा इष्ट हो, ये हमारी दृष्टि में सतत रहे। हमारे पूरे जीवन का इष्ट क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या साधना का सार है, तपस्या किसके लिए? लोग पूछते हैं आपकी तपस्या किसके लिए, आपका जाप किसके लिए, आपका ध्यान किसके लिए? समणा के लिए। किसके लिए? समणा के लिए। आप कौन हो? हम समणा हैं, समणा के उपासक है। हम कौन है? समणा के उपासक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? समणा को साधना। विजन क्लियर करें हम कि हमारा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य समणा को साधना है। हम सब समणोपासक है, समणा की उपासना करने वाले हैं। और एक ही बात है कि परिस्थितियां कैसी भी आएगी, हम सबका सहयोग लेते हुए जिएंगे, सबको धन्यवाद देते हुए जिएंगे, लेकिन किसी भी जगह पर अपना घर नहीं बनाएंगे, मानसिक घर नहीं बनाएंगे। मानसिक घर जहां बनाया वहां एक पक्ष पैदा करते ही विपक्ष पैदा हो जाएगा, होता ही है। दोस्ती करो, दुश्मनी अपने आप से आती है। और नियम से इस दुनिया में हमारा कभी कोई ऐसा व्यक्ति दुश्मन हुआ ही नहीं जो कि पहले कभी हमारा दोस्त न रहा हो। हुआ हो तो बता दो, हुआ हो तो बता दो, आप सबका अनुभव। हम सबकी जिंदगी में वही व्यक्ति दुश्मन होता है जो पहले कभी न कभी हमारा दोस्त रहा हो। सारी मूवीज देख लो, ऐसा ही तो होता है। अपनी लाइफ की मूवी देख लो। इसीलिए ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों से मुक्ति की साधना समता की साधना है। यहाँ क्या होता है, सद्भाव सबके लिए होता है। जरूरत है तो सहयोग भी लेते ही हैं, लेकिन हर सहयोगी को धन्यवाद देते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मशीन हो। ये बात भी कह रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो कभी मशीनों को धन्यवाद नहीं देते, देते हैं। हमें लगता है जिस गाड़ी में बैठ करके हम आए उस गाड़ी के लिए वाला थैंक्स क्या देना। और गाड़ी तो नॉन लिविंग पार्ट है, वो हमारे थैंक्स को भला कैसे फील करेगी? ऐसा नहीं है। प्रकृति का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जो कि इंसान के भावों से चार्ज नहीं होता हो। प्रकृति का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जो हम इंसानों के भावों से चार्ज नहीं होता हो। देवता भी चार्ज होते हैं, और देवताओं की प्रतिमा जो हम बनाते हैं वो प्रतिमा भी हमारी भावनाओं से चार्ज हो जाती है। हमारी भावनाओं से प्रतिमा भी चार्ज हो जाती है, और आपकी भावनाओं से आप जिस कमरे में रहते हो वो कमरा भी चार्ज होता है। जिस गाड़ी में बैठते हो वो गाड़ी भी चार्ज होती है। जिस कलम से लिखते हो वो कलम भी चार्ज हो जाती है, क्योंकि हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। और है ही, देखो ना, अगर बॉस की कुर्सी पर उसका कर्मचारी बैठा हुआ मिल जाए बॉस को क्या लगेगा? हाँ, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मेरी कुर्सी पर तेरी ये मजाल, तेरी जगह कहाँ है?
अरे भैया कुर्सी तो कुर्सी थी, नॉन लिविंग थी, अब क्या बात हुई, आपको क्या फर्क पड़ा? लेकिन फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ा। कुर्सी के साथ भी हमारा अटैचमेंट है, हमारे चित्त है, वो हमारी भावनाओं से चार्ज है, और हम नहीं चाहते कि जो चीज़ हमारे पोजीशन की है वो किसी और के हाथ में या किसी अयोग्य नाकाबिल के हाथ में जाए। तो इसका मतलब वो चार्ज तो है ना, कनेक्शन तो है। जब कनेक्शन है तो उसको भी थैंक्स दो, क्योंकि उसके बिना काम होने वाला नहीं है। अगर हम समझ सके पूरी दुनिया से मुक्ति के साधना के लिए एक छोटे सी सूत्र को, कि सद्भावना सबके प्रति, हर सहयोगी के प्रति, आभार सबके प्रति, हर एक उपकरण के प्रति भी, न केवल पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय को धन्यवाद दो, बल्कि हर एक मशीनरी को भी धन्यवाद दो, हर एक माहौल, मौसम, वातावरण को भी धन्यवाद दो, क्योंकि वातावरण अनुकूल मिला तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। प्रकृति ने हमें कितना साधन दिया, कितना साथ दिया तो हम यहाँ तक आ पाए। तो श्री कृष्ण ने भी देवता की आराधना कर ली, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सृष्टि सहयोगी है और इस दुनिया में सहयोग लेने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी भी सहयोगी के साथ प्रतिबंध करने की मनाही है। ध्यान दीजिएगा, सहयोग लेने की मनाही नहीं है, लेकिन किसी भी सहयोगी के प्रभाव में बह जाने की मनाही है। हम दूसरों के भावों में बहते नहीं हैं, हमारा स्पष्ट विजन है, समणा है या नहीं? हमारा स्पष्ट विजन हो, न्यूट्रल होना, कोई पक्ष पैदा नहीं करना, और जब पक्ष पैदा नहीं करना है तो हम देवताओं के साथ भी प्यार का संबंध स्थापित नहीं करते। श्री कृष्ण ने देवता की सहायता ली, ठीक ऐसे ही जैसे आपको कोई काम निकलवाना होता है और वकीलों से काम निकलवाना होता है तो आप किसी वकील को हायर करते हैं, और जब शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको उपचार करवाना होता है डॉक्टर्स की सेवाएं लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते? क्योंकि सारी क्रियाएं हम नहीं जानते, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वकील नहीं हैं, हम सारे ही लोग चार्टर्ड नहीं हैं, हम सारे ही लोग मैनेजर नहीं हैं, हम सारे ही लोगों को इस प्रकृति में हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मालिकों की हेल्प तो लेनी होगी। तो हेल्प लेने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हेल्प लेते समय क्या ध्यान रखना, आवश्यक लेना, वापस देना, नहीं तो फिर कर्जा बच जाएगा। ले ही लिया और दिया नहीं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि मुफ्त की सहायता ले लो ना, तो देखो इस दुनिया में मुफ्त की सहायता देवता भी नहीं देते। देवताओं के लिए भी व्यक्ति को तप करना होता है, जप करना होता है, प्रसाद नैवेद्य आदि का अर्पण करना होता है। तो मुफ्त की सहायता कभी मत लो, मुफ्त की कोई वस्तु किसी की मत लो, लो साथ के साथ अपना ऋण चुकाया करो, अपना जो भी बनता हो जरूर दो, और उसके बाद में लेन और देन करने के बाद में उसको सद्भावनाएं दो और आगे बढ़ जाओ, वहाँ मानसिक घर मत बनाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है समणा, समता, मुक्त अनानुबंधी हो जाना। मुक्त अनानुबंधी बनकर के जीना, हमारा स्पष्ट विजन हो, उसके बाद चाहे पुण्य भोगो चाहे पाप, भोग क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, भोगते समय हम क्या भावनाओं में हैं वो महत्वपूर्ण है। पुण्य भोगने वाले भी नरकों में गए हैं, पाप भोगने वाले भी स्वर्गों में गए हैं, लेकिन हमें तो पुण्य और पाप, नरक और स्वर्ग दोनों से ही मुक्त होना है, क्योंकि हम सब समणोपासक है, समणा हमारा इष्ट है, और समण दर्शन का सार है सामायिक, उस सामायिक को पूरे जीवन में उपलब्ध होना है, पूरा जीवन सामायिक बन जाए, ऐसी ही सद्भावना, मंगल भावना सबके लिए, आपके लिए, पूरे विश्व के लिए, कि हर व्यक्ति समता से जीना सीखे, आनंद से भर के जीना सीखे, अहोभाव और धन्यवाद से भर के जीना सीखे, हम सबके भीतर में किसी को कोई भी प्रकार की पक्ष विपक्ष की शिकायत और उम्मीदें ना बने, यही मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।
चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातम नमः मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनातो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सकती। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुलके, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुलके। जय हो जय हो जय हो सबका कल्याण हो। हो अविनय अशांत ना हुई हो तो बारंबार हम क्षमा याचना करते हैं।
पूछा है क्या?